जय माता दी। चैत्र नवरात्र आज से प्रारंभ हो रहे हैं। माँ भगवती की कृपा पाने के लिए भक्त अपने अपने ढंग से पूजा अर्चना करते हैं। सर्व विदित है कि 9 दिनों में आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा की जाती है। वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्र तो 2 अश्विन और चैत्र नवरात्र। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा महत्व मां को प्रसन्न करने के लिए चैत्र नवरात्र का होता है। भक्त यदि विधि विधान से मां के 9 रूपों की पूजा प्रथम दिन से लेकर 9वें दिन तक करते हैं तो उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मैं आज आपको प्रथम दिन से 9वें दिन तक के वह मंत्र बताऊंगा जो कि आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इन मंत्रों से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं, दीर्घ आयु प्राप्त होती है, ग्रह बाधा भूत प्रेत आदि संबंधित समस्याएं दूर हो जाती है, निसंतान को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बांझ स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, घर में लक्ष्मी का स्थिर स्थान होता है, धन की वर्षा होती है, बिजनेस और नौकरी में पैदा सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है, घर में होने वाले कलह क्लेश हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं। तो ऐसे में चैत्र नवरात्रि के दिन मैं जो आपको मंत्र बताने जा रहा हूं, यदि आप विधि विधान से उन मंत्रों का जाप करेंगे माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें प्रसाद भोग चढ़ाएंगे, नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखेंगे तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। तो आइए जानते हैं 9 दिन के वह 9 मंत्र कौन से हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए मैं जो मंत्र बता रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। रिम शिवाय नमः, रिम शिवाय नमः, रिम शिवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार यानी एक माला और ऐसी 11 माला जाप करने से माँ शैलपुत्री प्रसन्न होती है। इसके अलावा दूसरे दिन, मैंने आपको प्रथम दिन का मंत्र बताया था, दूसरे दिन जो आपको मंत्र करना है, द्वितीय दिन जो होता है नवरात्रि का, वो माँ ब्रह्मचारिणी का दिन होता है और माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र है रिम श्रीम अंबिकाय नमः, रिम श्रीम अंबिकाय नमः, रिम श्रीम अंबिकाय नमः। यह आपको मैंने दूसरे दिन का मंत्र बताया। तीसरे दिन का जो मंत्र है माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ चंद्रघंटा का दिन होता है नवमी नवरात्रि का तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा जिस मंत्र से प्रसन्न होती है वह है एम श्री सत्ये नमः, एम श्री सत्ये नमः, एम श्री सत्ये नमः। इस मंत्र की 11 माला यानी 108 की एक माला होती है, 11 माला आप जाप करें माँ की। मैं आपको विधि बाद में बताऊंगा कि कैसे जाप करना है, जाप की विधि क्या है। 108 की 11 माला आप तीसरे दिन भी माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए अगर करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। चौथे दिन का मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूं। माँ कुष्मांडा का दिन होता है चौथा दिन और ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है। माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए आप एम ह्री देव्ये नमः, ओ एम रीम देव्ये नमः, एम रीम देव्ये नमः, एम रीम देव्ये नमः। चौथे दिन का मंत्र मैंने आपको बताया माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए। पांचवें दिन का मंत्र बड़ा ही सटीक है और बहुत जबरदस्त बीज मंत्र है माँ का। पंचम दिन जो होता है स्कंद माता का दिन होता है और स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए रीम क्लीम, बड़े ध्यान से सुनिएगा, रीम क्लीम स्वमिन्ये नमः, रीम क्लीम स्वमिन्ये नमः, रीम क्लीम स्वमिन्ये नमः, रीम श्रीम श्री मन्ये नमः, रीम क्लीम श्री मन्ये नमः, रीम क्लीम श्री मन्ये नमः। तो पांचवें दिन का मैंने आपको मंत्र बताया है, बीज मंत्र है माँ का। इसके बाद षष्ठम दिन जो है माँ कात्यायनी का होता है और माँ को प्रसन्न करने के लिए क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः, क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः, क्लीम श्री क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। मैंने आपको छठे दिन का मंत्र बताया माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ भगवती जो है छठे दिन
आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको माँ कात्यायनी जो है बहुत अच्छी देवी है और माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से भक्तों का कल्याण होता है। सातवां दिन जो होता है वह माँ कालरात्रि का होता है और माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सटीक बीज मंत्र है माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए। क्लीम एम श्री कालिकाय नमः, क्लीम एम श्री कालिकाय नमः, क्लीम एम श्री कालिकाय नमः। माँ कालरात्रि जो है इस मंत्र से प्रसन्न होती है। आपको 11 माला जाप करना है इस मंत्र की। इसके बाद आठवां दिन जो होता है वो महागौरी का होता है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हम कन्या भोजन भी कराते हैं, नवमी के दिन भी कराते हैं, अष्टमी के दिन भी कराते हैं। 11 माला जाप करने के बाद, माँ की पूजा अर्चना करने के बाद, आप यदि 9 कन्याओं को भोज कराते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। तो मैं आपको आठवें दिन का मंत्र बता रहा हूं। श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः, श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः, श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। ये आठवें दिन का महागौरी का मंत्र है, इसका जाप आपको करना है। नवम दिन जो होता है वो सिद्धदात्री का होता है, माँ सिद्धदात्री का होता है। माँ सिद्धदात्री को प्रसन्न करने के लिए रीम क्लीम एम सिद्धये नमः, रीम क्लीम एम सिद्धये नमः, रीम क्लीम एम सिद्धये नमः। तो 9 दिन के मैंने आपको 9 मंत्र बताए हैं। अब मैं इसकी विधि बताऊंगा कि किस तरह इसका जाप करना है, आपको कैसे आपको जाप करना है। आइए जानते हैं विधि क्या है। मंत्र जाप की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान के पश्चात इन मंत्रों का जाप करने के लिए पूर्व दिशा की ओर बैठे, यानी उत्तर पूर्व में आपका मंदिर होना चाहिए। देवी के मंदिर में आप एक घी का दीपक लगाइए, गाय के घी का दीपक आपको लगाना है। इसके पश्चात आप लाल फूल, अक्षत, दक्षिणा हाथ में लेकर माँ दुर्गा के स्वरूपों का आह्वान कीजिए। फिर तुलसी की माला का उपयोग कर इन मंत्रों का जाप कीजिए। 11 माला आपको प्रतिदिन जाप करना है। 108 की एक माला होना चाहिए। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए आप 11 माला जो है 9 दिन के 9 मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट जो है खत्म होते हैं। जीवन में जो भी अला बला है, जिस तरह से आपको जो घर में क्लेश हो रहे हैं या कोई भी विपदा आपके ऊपर आ रही है तो वह खत्म होगी। नवरात्रि का जो दिन होते हैं, नवरात्रि के जो दिन होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इस दिन आपको, इन दिनों के अंदर आपको कुछ चीजों का पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। लोग कटिंग नहीं बनाते हैं, दाढ़ी नहीं बनाते हैं, यानी सेविंग बिल्कुल नहीं बनाते हैं, बाल नहीं काटते हैं, नाखून नहीं काटते हैं, इसके अलावा नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते हैं। 9 दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मैंने जो आपको मंत्र बताए इनका यदि आप जाप करेंगे तो आपका कल्याण होगा। माँ भगवती आप पे प्रसन्न होगी, आपके जीवन के सारे कष्ट जो है खत्म होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारा जो है डेली फेसबुक पेज है, यूट्यूब पेज जो है उसके ऊपर, यूट्यूब चैनल जो गुरुदेव टीवी है उस पर हम प्रतिदिन जो है ऐसे उपाय अपलोड करते हैं जिनके माध्यम से आपका जीवन जो है परिवर्तित होता है। डेली हम पंचांग हमारे फेसबुक पेज पर प्रकाशित करते हैं। चौगड़िया उसमें होता है, राशिफल उसमें होता है। आप डेली जो है क्या कैसे करना है, कौन से मुहूर्त में क्या कार्य करना है वह देख सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है वास्तु ज्योतिष एवं तंत्र से संबंधित तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम साई राम। जीवन को सफल एवं आनंदमय बनाने के लिए सब्सक्राइब करें वास्तु गुरु मनीष साई यूट्यूब चैनल पर। आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो या भाग्य बाधा, चाहे करियर की चिंता हो या शादी की समस्या या वैवाहिक जीवन में सुख की कमी और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना, पाइए अपनी समस्त समस्याओं का ज्योतिषीय एवं वास्तु के सरल एवं लाभकारी उपायों से समाधान। विश्व के सबसे अनुभवी प्रख्यात वास्तु ज्योतिष विशेषज्ञ आध्यात्मिक गुरु श्री मनीष साई जी से परामर्श एवं वास्तु विजिट के लिए संपर्क करें। साई अन्नपूर्णा सोशल फाउंडेशन, 156 सहयोग विहार, बावड़िया कला, भोपाल, मध्य प्रदेश। फोन 9617950498, 9425150498।